how to create a login page in mobile phone. Okay, programming के through आप कैसे एक login page बना सकते हैं आसानी से, चलिए हम आपको दिखाते हैं. तो पहले आपको user ID डालने के लिए बोल रहा है, चलिए थोड़ा सा कुछ example के लिए हम डाल के दिखाते हैं आपको. For example, xyz@321. फिर आपको मोबाइल नंबर डालने के लिए बोल रहा है, तो कुछ भी हम डाल देते हैं. सिर्फ 10 से ज़्यादा हम नहीं डाल सकते क्योंकि 10 से जब भी आप डालोगे तो वो नहीं आएगा, क्योंकि इस तरीके से हम उसको प्रोग्राम करके रखे हैं. और वहाँ पर जो शो कर रहे थे वो प्लेस होल्डर का काम कर रहे थे, आपको दिखा रहे थे कि आपको क्या करना है. फिर आता है पासवर्ड जो डॉट 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 करके आता है, और उसका कुछ क्राइटेरिया भी होते हैं, लेकिन हमने अभी क्राइटेरिया नहीं सेट किया है, सिर्फ पासवर्ड सेट करे हैं, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं. तो ये सिक्योरिटी के लिए नहीं डाले हैं, तो अब जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं. फिर आता है फॉर न्यू यूज़र, जहाँ पर आप साइन अप कर सकते हैं. और एक आता है लॉगिन, लेकिन ये सब बटन है लेकिन उसका काम नहीं है कुछ, क्योंकि हमारा अभी जो काम है ये फ्रंट एंड के लिए है, बैक एंड के लिए नहीं है. और नीचे जो दिख रहा है वो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो एक लिंक है जो मैंने यहाँ पर सेट करके रखे हैं, ताकि वो अगर कोई चाहे तो उसको सॉल्व ही कर सके. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और कुछ नहीं, पजल की तरह. चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनते हैं ये पेज, जो बहुत ही अच्छा क्लिक करते हैं वो स्लो लर्न ऐप्स को प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. तो उसके बाद जैसे ही आप उसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लोगे, फिर वो ओपन करने के बाद इस तरह का मुझे इंटरफेस आपको दिखेगा. चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है स्लो लर्न ऐप्स, इसमें से करोगे तो मिल जाएगा ऐसे. तो मैंने इसको ऐसे ओपन करके रखे, इसलिए यहाँ पर ऐसे दिखा रहे हैं. तो इस तरह से मिल जाएगा, फिर आप कोड में जाओगे, फिर कोड में जाने के बाद यहाँ पर माय बीट कोड्स पर क्लिक करोगे तो ये आपका कोड आ जाएगा. तो मैं आज आपको ये दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर एक प्रोग्राम जो अच्छे तरीके से लिखा है, और उसके बाद थोड़ा सा स्टाइल के लिए, ज़्यादा नहीं तो एक के लिए सीएसएस में थोड़ा सा एक स्टाइल हमने एंटर किया है बस. तो ऐसे बन जाएगा आपका ये जो बेसिक जो पेज है, HTML का स्ट्रक्चर वो आप कर लेंगे ऐसे करके. पहले HTML टैग आना पड़ेगा, HTML इससे HTML करके उसका अंदर आएगा हेड, आपको सजेशन के चले जाएंगे तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. टाइटल हाउ टू क्रिएट लॉगिन पेज, तो ये किया. फिर टाइटल हेड, हेड के बाद आएगा एक पेज बहुत है बॉडी. इस बॉडी बॉडी के अंदर आपको लेना पड़ेगा एक टैग, वो है फॉर्म. फॉर्म टैग लेने के बाद यहाँ पर आता है कुछ लेवल, उसके अंदर आता है इनपुट. एक आता है आईडी, आईडी में आप डाल सकते हो कि यूजर आईडी. और एक आता है इनपुट टाइप, टेक्स्ट. टेक्स्ट आ गया पर देख रहे हो, और पहले ये जो लाइन है इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं क्योंकि हमारा काम थोड़ा सा आसान रहे. बीआर टैग ऐसे कर दो, दो लाइन के लिए आप दो लगा दो, देखो दो लाइन पीछे खींच के आ जाए तो यहाँ तक आ जाएगा. ये देख रहे हो वो टाइप, तो इसके ऊपर हमको दिखना है.
पर वैसे भी देख सकते हैं हम लेवल में नाम, उसके बाद इनपुट आई डी, नेम एंड टाइप, तीनों चीज़ें आ गए तो ये आ जाएगा योर नेम। योर नेम में अपना नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ऐसे करके बिना टेबल लेंगे तो ऐसे भी किया जा सकता है। या अगर आप टेबल बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो प्रोग्रामिंग दे रखे हैं आपको देना पड़ेगा, तो इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद तो यहाँ पर जो दिखा रहा है, चलो आपको और एक बार बता देते हैं कैसे करोगे। जब आप टेबल लेना चाहते हो तो टेबल लेने के लिए आपको बॉडी के अंदर एक टैग आता है, वो है टेबल। जो ये हमने लिया है यहाँ पर टेबल, उसके टेबल का बॉर्डर क्या होगा, टेबल का बॉर्डर का कलर कैसा होगा और उसका बैकग्राउंड जो कलर है वो कैसी होगी, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी कुछ भी कलर दे सकते हैं। और टेबल में दो चीज़ें आता है, एक है टी आर, टी आर का मतलब होता है टेबल रो, टी आर एंड टेबल रो के अंदर आता है टेबल हेड, टी एच, टेबल हेड क्या होगा एंड टेबल डेटा होता है, तो टी एच के अंदर आता है कॉल स्पैन, कॉल मतलब कॉलम, स्पैन मतलब कितना गैप होगा, वो है 3। तो फिर हमने ये लिख दिया। फिर एक चीज़ें आ गई, कॉल स्पैन अगर नहीं करते तो फिर वहाँ पर बॉर्डर आ जाते हैं, अगर कॉल स्पैन कर दोगे तो वहाँ पर जो टेबल का जो 3 बॉर्डर आते थे, 3 हमने कॉलम में इसको तोड़े थे लेकिन वो नहीं आएगा, ये ऑटोमेटिकली पूरा एक रो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक टैग है मर्क्यूरी, ये अगर आपको अभी समझ में आएगा तो एक्चुअली ये कुछ नहीं है, ये जो चल रहा है ना ऊपर से ये राइट से लेफ्ट की तरफ, तो ये एक टैग है, ये मर्की हुई टैग है जिसके चलते वो ऐसे कर रहे हैं। उसके अंदर एक टैग आया फॉन्ट, फॉन्ट का कलर क्या होगा, उसका बॉर्डर क्या होगा, बॉर्डर कलर कैसा होगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा है उसके ऊपर वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, तो ये एक्चुअली ऐसे काम कर रहा है, इसके ऊपर इतने सारे चीज़ें लगा हुआ है। तो ये एक फॉन्ट है जिसका कलर और ये सब डिज़ाइन कर रहा है, उसका बैक बॉर्डर कैसी होगी, बॉर्डर कलर उसको डिफाइन कर रहा है और उसका डायरेक्शन क्या होगा, मर्क्यूरी के थ्रू वो डायरेक्शन दे रखा है, अगर कोई भी डायरेक्शन नहीं दोगे तो वो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली लेफ्ट टू राइट ही चला जाएगा, और उसको चेंज करने के लिए उसको मर्क्यूरी में डायरेक्शन देना पड़ेगा। उसके बाद आता है टी आर, फिर से टी आर, उसके अंदर आता है टी डी, टेबल डाटा, टेबल डाटा कहाँ पर उसको हम रखना चाहते हैं, तो वो है अलाइन, अलाइन होता है इसको कहाँ रखना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अलाइन हमने सेंटर किया तो ये बिल्कुल मिडिल बराबर रहेगा, उसके हिसाब से दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो बी टैग होता है, बी स्टैंड फॉर बोल्ड, बोल्ड होता है, थोड़ा सा इसको मोटे बना देंगे, जैसे कि ये बस दिख रहे हो जो मोटे बन गया, ब्लैक कलर, यूजर आई डी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, तो इसका काम ऐसे है, ठीक है। और उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यूजर आई डी जो हमने दिखाया, फिर जो टैग आप स्टार्ट करोगे उसको एंड भी करना पड़ेगा, ये स्टार्टिंग टैग और ये है एंडिंग टैग, स्लैश देकर, फॉरवर्ड स्लैश देकर के वो जो बी स्टार्ट हो रहा था वो बी को एंड करना पड़ेगा, टी डी स्टार्ट हो रहा था टी डी को एंड करना पड़ेगा। फिर मैंने दोबारा एक टेबल डाटा लिया जो टी डी, तो उसका जो कॉल स्पैन है वो 2 कर दिया, और इनपुट जो हम वो दिखा रहे थे ये इनपुट टाइप होता है, इससे बॉक्स बनेगी, तो हमने दिखाया था आपको बिना टेबल के भी किया जा सकता है। तो वहाँ पर ये टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट, तो वहाँ पर आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, तो टेबल डाटा क्लोज कर दिया। तो वैसे ही हमने मोबाइल नंबर को भी बनाया और पासवर्ड का भी बनाया, और यहाँ पर एक चीज़ हमने दे रखा है प्लेस होल्डर, इसका काम क्या है, प्लेस होल्डर का काम होता है एग्जांपल के थ्रू कि आपको एक्चुअल में यहाँ पर एंटर क्या करना है, तो उसका एक एग्जांपल देने के लिए हमने ये जो 10 डिजिट का नंबर है मोबाइल नंबर ऐसे देना पड़ेगा कि वो सिर्फ नंबर ही आए, तो इसलिए हमने जब आउटपुट में यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पर नंबर दिखा रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं है, जैसे ही आप इंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, लेकिन 10 से ज़्यादा आप नहीं इंटर कर सकते, क्यों,
उसके लिए भी हमने एक चीज़ लगा के रखे है, वो है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ जो है वो मैक्सिमम कितने वर्ड तक व कितने नंबर तक लेंगे, तो उसके लिए हमने 10 लगा के रखा, क्योंकि मोबाइल नंबर जो होता है वो 10 डिजिट का होता है, तो 10 से ज़्यादा आप एंटर नहीं कर सकते। और कंट्री कोड तो हमने नहीं दिया, अगर आप कंट्री कोड भी दे सकते हैं, वहाँ पर ऑप्शन भी लगा सकते हैं, तो वो सब चीज़ हम आगे बताएंगे अगली वीडियो में। तो यहाँ तक आपको समझ गई होगी। तो और भी एक चीज़ हमने यहाँ पर लिया है जो आपको दिखा रहा है कि लॉगिन एंड साइन अप। लॉगिन एंड साइन अप आप कैसे करोगे, देखिए ये जो फॉर न्यू यूज़र है उसके ऊपर देखिए इनपुट टाइप, यहाँ पर जो इनपुट टाइप है वो है बटन। बटन मतलब एक स्विच आएगा जो जिसको क्लिक कर सकते हो, जिसके ऊपर वो बटन आ गया। उसका वैल्यू क्या है जो हम लिखना चाहते हैं, लॉगिन लिख सकते हो, आपका नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जो आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो तैयार हो जाएगा। तो जैसे ही उसको क्लिक करोगे, अभी इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर क्लिक करने के बाद उसका जो काम होता है वो बैक एंड पे होता है। ये फ्रंट एंड का हमने आपको दिखा रहा है, तो उसका बैक एंड जब आएगा उसके ऊपर जब जावास्क्रिप्ट में